नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेज आरआरबी एनटीपीसी साथ ही साथ ग्रुप डी का चल रहा है दोस्तों, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज का 27वां लेक्चर, ऑलरेडी 26 लेक्चर इस चैनल पे प्रोवाइड हो गया है। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आरआरबी रेलवे के द्वारा पूछा गया है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को डील किया जाएगा। देख सकते हैं इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत तरह के वैदिक सभ्यता, जैन बौद्ध, मौर्य साम्राज्य, पोस्ट मौर्य पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रिपरेशन के लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक को अपलोड कर दिया गया है। तो जो नया स्टूडेंट है, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और स्पेशली सीरियस स्टूडेंट है, प्रिपरेशन करना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पे जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। इस चैनल पर मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम दोनों शिफ्ट में जो है स्पेशल महत्वपूर्ण टॉपिक सेलेक्ट करके वीडियो बनाया जाता है। दोनों वीडियो को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आपको जीके जीएस में किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं कमेंट जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि जीके सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा तभी जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दोस्तों, कुल 5 राजवंश दिल्ली पे शासन किए थे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दिल्ली पे अब तक कुल कितने शासन जो है सल्तनत शासन ने जो है वहां पे शासन किया था। कुल 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था दोस्तों, जिसमें है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोदी वंश। ये पांचों राजवंश दिल्ली पे जो है शासन किया था। पहला बता देना चाहता हूं, गुलाम वंश दोस्तों 1206, ध्यान दीजिएगा, 1206 से 1290 गुलाम वंश का पीरियड है, 1206 से 1290। खिलजी वंश का है दोस्तों 1290 से, ध्यान दीजिएगा, 1290 से 1320 था खिलजी वंश का, 1320 था। एंड उसी तरह से तुगलक वंश का नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब 1320 से 1320 से 1413, ध्यान दीजिएगा 1413 था, ये तुगलक वंश का था। सैयद वंश का शासन था दोस्तों 1413 से 1451 था, 1451 था, ये सैयद वंश का था। लास्ट में आया था दोस्तों लोदी वंश, लोदी वंश का था 1451 से 1526। ये पांचों राजवंश दिल्ली पे शासन किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कितने राजवंश ने किया था दोस्तों, 5 राजवंश में। सबसे पहला कौन सा था, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लास्ट में लोदी। ये सभी का पीरियड आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश द्वारा शासन किया गया था। ये इसका राइट आंसर होगा 5, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। चलिए हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, ये वंशों का शुरू के बाद सही क्रम बताइए दोस्तों। ऑलरेडी मैं बता दिया हूं इस क्वेश्चन का, क्योंकि सब यहां पे आएगा दोस्तों गुलाम वंश, गुलाम वंश आएगा, गुलाम वंश का 1206 से 1290 था। उसके बाद खिलजी वंश आएगा दोस्तों 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1413। उसके बाद मुगल वंश जो कि 1526 से 1507। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक एंड मुगल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की क्या लगती थी। बहुत बार रेलवे में पूछा गया, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी का सीवीटी 1 एग्जाम में 2-3 शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इल्तुतमिश किसकी बेटी थी, किसका पुत्र थी, हाँ किसकी बेटी थी, ये इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या लगती थी, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दोस्तों इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। प्रथम मुस्लिम महिला शासक सुल्तान रजिया सुल्तान थी दोस्तों, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी।
सेवंथ नंबर क्वेश्चन भाई, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस डेली हैबिट बना लीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग में जो दो वीडियो अपलोड होता है स्पेशली जीके जीएस का, जो कि स्पेशली रेलवे से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सभी एग्जामों के लिए होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था? अलाउद्दीन का ये लागू किया गया था दोस्तों सैनिकों के लिए, ध्यान दीजिएगा। इतिहासकार से ये जानकारी मिलती है दोस्तों कि अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य था न्यूनतम वेतन द्वारा ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को रखना, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एट नंबर क्वेश्चन भाई, ये राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। राजस्व सुधार को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने केंद्रीय शासन व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण भू राजस्व एवं राज्य वित्तीय व्यवस्था का व्यापक रूप से जो है ये चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करें। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दोस्तों 1327 ईस्वी में कब किया था ये भी आपको जानना जरूरी है। 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी को ही दौलताबाद बोला जाता है दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 15 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ था? लखनऊ से पहले दोस्तों अवध राज की राजधानी कहाँ था? ये था दोस्तों फैजाबाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने 1739 ईस्वी में किया था। इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद में बनाया था। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन भाई, ये अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? अमीर खुसरो का दोस्तों जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ पे अमीर खुसरो जन्म लिया था? ये पटियाली में लिया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में हुआ था दोस्तों। ये कब हुआ था? 1253, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1253 में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये 22 नंबर क्वेश्चन, अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? बहुत फेमस क्वेश्चन है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? ये था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ये जो था मोहम्मद गजनवी, ध्यान दीजिएगा, अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। 23 नंबर क्वेश्चन भाई, ये निम्न में से किसके निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था? किसके कहने पे दोस्तों अलबरूनी भारत आया था? ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है मोहम्मद गजनवी के कहने पे जो है अलबरूनी भारत आया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे टारगेट बहुत करता है। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के कहने पे और ये आया था। अलबरूनी आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद गजनवी का ही दरबारी कवि बनाया था, मतलब वहीं पे काम करता था, दरबारी कवि था। 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज, ध्यान दीजिएगा, नवरोज एक पर्व था दोस्तों फारसी लोग का, जो कि भारत में निम्न में से किसने स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो भारत में स्टार्ट करने वाला बलवन था, ध्यान दीजिएगा, बलवन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज भारत में बलवन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन भाई, ये जो कि बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी जो था दोस्तों भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसने पहला आक्रमण कब किया गया था? यह किया गया था 1000 ईसा में पहला आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1000 ईसा में किया था मोहम्मद गजनवी ने, टोटल 17 बार आक्रमण इंडिया पे किया था। 28 नंबर क्वेश्चन पे, ये महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा था दोस्तों, तो
आक्रमण करने वाला भारत का वो शासक कौन था जो कि उसका सामना कर रहा था? वो शासक का नाम था राजा जयपाल। ध्यान दीजिएगा, राजा जयपाल इंडिया का शासक था दोस्तों। महमूद गजनवी जब आक्रमण कर रहा था तो भारत की ओर से सामना यही इन्हीं के द्वारा, भारतीय शासक राजा जयपाल के द्वारा ये किया जा रहा था, सामना इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, भिवे लगा लीजिए, हर किसी को पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट सेक्टर के प्रिपरेशन करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये जो हुआ था 1191 में हुआ था दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जो कि थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान में दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, ध्यान दीजिएगा ये युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसे मोहम्मद गौरी हार गई थी। इस युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ था दोस्तों, इसे मोहम्मद गौरी हार गई थी। किनके किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, जो कि 1191 में। 31 नंबर क्वेश्चन भाई, आत्मकथा सहनामा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आत्मकथा सहनामा किसका लेखक है? सहनामा का लेखक फिरदौसी है दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। सहनामा के लेखक फिरदौसी है, वे महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। 33 नंबर क्वेश्चन भाई, ये निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, वो कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, खलीफा घोषित करने वाला का नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खिलजी ने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराकर स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण किया था। इसका कार्यकाल दोस्तों 1316 से 1320, ओनली 4 साल का इसका कार्यकाल था, मुहम्मद शाह खिलजी। 35 नंबर क्वेश्चन भाई, ये चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने भारत पर कितने शासन में हमला, किसके शासन में हमला किया था? चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासन काल में हमला किया था? वो था दोस्तों इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने भारत पर इल्तुतमिश के शासन में हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे टारगेट करता है स्पेशली दोस्तों। मैं बता रहा हूं कि डेली कंटिन्यू वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डेली देखिएगा तो आपको हैबिट बना रहेगा, जीके में कॉन्फिडेंस रहिएगा, किसी तरह का टेंशन ना रहेगा। 37 नंबर, मुरीस यात्री था इवन बतूता किसके समय भारत आया था? मुरीस यात्री जो था इवन बतूता दोस्तों, वो मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान दीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मुरीस यात्री इवन बतूता, आपको बस ये याद रखना है, इवन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन, मोरक्को का यात्री, यही मुरीस मोरक्को उसी का बात हो रहा है दोस्तों, मोरक्को का यात्री इवन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऑलरेडी सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 712, ध्यान दीजिएगा 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? वो आक्रमण करने वाला का नाम था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर जो है आक्रमण किया था, फाइट किया था, लड़ाई किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, लोदी वंश के संस्थापक दोस्तों, लोदी वंश के संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी को जाना जाता है। लोदी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था, जो अफगानिस्तान के गिलजई काबिले के महत्वपूर्ण शाख लोदी के नाम से ये फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? भारत में तुगलक वंश का किसके द्वारा संस्थापक माना जाता है, कौन स्थापना किया था? उसका नाम है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग इस क्वेश्चन का
कंफ्यूज में गलत आंसर दे देते हैं, जलालुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक लगा देते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भारत में तुगलक वंश की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन पे आइए, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक। इस क्वेश्चन को भिवे लगा लीजिए, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका की बात आए तो रजिया सुल्तान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रजिया ही एकमात्र मुस्लिम सुल्तान मुस्लिम स्त्री थी दोस्तों जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। वह क्या थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑलरेडी डिस्कस किया है गया है वो क्या थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका, फर्स्ट एंड लास्ट शासिका कौन थी, महिला शासिका? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, वो था दोस्तों रजिया सुल्तान को ही जाना जाता है। फर्स्ट एंड लास्ट जो है सुल्तान दिल्ली पे, महिला सुल्तान रजिया सुल्तान ही रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? बहुत बार एसएससी क्वेश्चन को पूछा है और रेलवे ने तो न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन को टारगेट किया है। दोस्तों आप ये मत समझिए कि ये जो है एएसएम कोलकाता 2005 में पूछा, बस 2005 में ही पूछा है, ये उसके बाद 5 के बाद भी न जाने कितने बार पूछा है, वो अपडेट इसमें नहीं है। लेकिन बहुत ही फेमस क्वेश्चन सभी क्वेश्चन है, स्पेशली मैं वही क्वेश्चन को पिक करता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट रिपीटेड एंड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? वो पूरा करने वाला का नाम इल्तुतमिश था। ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार जिसका ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति के निर्माण पर कुतुब मीनार ऐबक द्वारा आरंभ किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए किसके याद में ये बनाया गया था। दोस्तों जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, किसके याद में बनाया गया था ये ख्वाजा कुतुबहीन बख्तियार काकी। ध्यान दीजिएगा, ख्वाजा कुतुबहीन बख्तियार काकी की स्मृति याद में जो है ये बनाया गया था। कौन बनाने का आरंभ किया था, शुरुआत किया था, उस शासक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाना आरंभ हुआ था, लेकिन ये पूरा नहीं किया था, पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। यानी दो शासक ने मिलकर के ये चीज को बनाया था। ये पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्टार्ट किया था और अनइंड किया था, जो कि कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया, इल्तुतमिश ने किया। उसके बाद किसने स्टार्ट किया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके याद में ये बनाया गया था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में ये बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय दोस्तों ये राजा कहाँ के थे, ये विजयनगर, ध्यान दीजिएगा, विजयनगर के राजा थे। 55 नंबर क्वेश्चन पे आइए, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? वो सिकरी में रहते थे। ध्यान दीजिएगा, 16वीं शताब्दी के बहुत ही फेमस संत थे दोस्तों शेख सलीम चिश्ती, जो कि फतेहपुर सिकरी, ध्यान दीजिएगा, फतेहपुर सिकरी में रहते थे और अकबर के महान समकालीन में थे, अकबर के महान के समकालीन थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 56 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहुत ही फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हरिहर बूका। जब भी विजयनगर की बात आए दोस्तों तो हरिहर बूका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, 1336 याद कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के पांच पुत्रों में से हरिहर और बूका, ओनली टू, हरिहर और बूका ने जो है इसका प्रारंभ किया था, स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन पे आइए,
विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष जो है दोस्तों तुंगभद्रा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, विजयनगर राज्य के खंडहर वर्तमान हम्पी में मौजूद है। यह स्थान कर्नाटक के मैसूर के निकट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1211, ध्यान दीजिएगा, सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? वो दिल्ली का सुल्तान था दोस्तों इल्तुतमिश, जो कुतुब मीनार को काज को पूरा किया था, इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली की गद्दी पे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट कुतुब मीनार देखने गए होंगे बट उनको ये नहीं पता कि उसका हाइट कितना है। दोस्तों एग्जाम में हाइट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हाइट याद कर लें। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 288 फीट। ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार का हाइट दोस्तों 288 फीट, 288 फीट है, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, याद कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां किस देश का निवासी था? चंगेज खां दोस्तों मंगोलिया का निवासी था, जो कि ऑप्शन बी में गिवेन है। चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था। ये 1221 में जलालुद्दीन मगवानी का पीछा करते हुए सिंध तक आ गया था। ये कहां का निवासी था? मंगोलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन, नदीर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नदीर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। फारस के बहुत ही फेमस शासक था नदीर शाह दोस्तों, जो कि 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। उसके आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन पे आइए, भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? भारत पर प्रथम बार, फर्स्ट बार आक्रमण करने वाला विदेशी का नाम था सिकंदर महान। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिकंदर महान होगा। भारत ने प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी सिकंदर महान था। इसने कब किया था? 326 में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवंश का सही कालानुक्रम चुनिए। ऑलरेडी ये डिस्कस किया जा चुका है दोस्तों, गुलाम खिलजी तुगलक लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक लोदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो मैं सीरीज फर्स्ट में जो लिखवाया था वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो सीरीज भी पूछ सकता है। भारत के प्रथम, हाँ, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया था? भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित किया गया था दोस्तों? ये मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने सोने चांदी के स्थान पर कांसे, तांबे और पीतल के मुद्रा चलाया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम, सबसे पहले अस्थाई सेना का निर्माण किया था? उस सुल्तान का नाम क्या है? उसको दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ना सॉरी अलाउद्दीन खिलजी नहीं, हाँ इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था? इल्तुतमिश। दिल्ली
सल्तनत के इल्तुतमिश सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का शुरुआत किया था? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। आई होप आशा करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करते हुए स्टडी किए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को फायदा हो सके। और जो नया स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी इस चैनल पर जितने भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।